मॉर्निंग। तो हमारी गुड मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई आज। आज मैंने लड्डू गोपाल को पुआ चढ़ाया, वो मीठा पूरी। और अभी पीयू नहाने गई क्योंकि उनका आज स्कूल है, सैटरडे को भी स्कूल है, आपको पता ही है। तो ये मैंने काम कर लिया, अभी है अंधेरा। सो चलते हैं नीचे हमारे घर में। तो आपको पता ही है जैसे कि भजन चलता रहता है, तो ये भजन चल रहा है। ये सो के उठ गई हैं, जा रही है नहाने। जल्दी फटाफट नहा लो। और मेरा हो गया, ये देखो मेरा पुआ। खाते ये पूजा करने के बाद से दो बाकी रह गया था, ये कुछ ये बना रही हूँ। मेरा बन चुका है। ये हमारा सुबह सुबह का रूटीन है। ये मैंने दाल भिगा के भी रख दिया है कि फटाफट दाल भी बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे हमें बाहर जाना है, आ जाएंगे टाइम से हम लोग। मैंने सोचा चलो फटाफट ये काम में काम कर लूँ, नभी मैंने सो रहा है। पीयू को भेजने के बाद से मैं क्या करूँगी, चाय बना के उनको उठाऊँगी, पीयू का लंच बॉक्स में पैक कर दूँ। पीयू एक दो ये दो तो बेटा, ये वो आपको एक दो ये दो, कितना दो ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, आज नहीं आज आएगा, आज डिलीवर होगा, दिखा रहा है आज डिलीवर हो जाएगा। फाइनली गाइस आज पूरा दिन बिजी है। और आज मैंने बनाया आलू पराठा, जो कि मैंने खा ली क्योंकि इतनी थक गई थी, कुछ ब्लॉगिंग नहीं किया। और पीयू का प्रोजेक्ट चल रहा है, उनकी फ्रेंड आई है तो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, नवीन भी खा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। ऑफिस की कॉल नहीं है, हमारे ऑफिस का कॉल है। सो अब मुझे लग रहा है बहुत छोटी ब्लॉगिंग करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ना क्योंकि थक गए हैं। और थकने के बाद से क्या होता है, कुछ बोलने को मन भी नहीं करता है सर। मतलब मैं भी खुद समझती हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं यार आज मैं थक गई थी तो ब्लॉगिंग, फिर मैं मन में सोचती हूँ कह रही यार कि अब ब्लॉगिंग में क्या करना है, लेकिन बहुत कुछ करना होता है जिसकी वजह से रियल में थक गई थी। एंड आज तो कुछ काम हुआ नहीं क्योंकि इतनी बारिश है नासिक में कि आपको मैं क्या आपको बताऊँ, कुछ नहीं बता सकती, इतनी बारिश है यहाँ पे। मतलब मुश्किल से कोई काम हम जाके बाहर कर रहे हैं। सो चलती हूँ, देखती हूँ पीयू क्या कर रही है अपने रूम में। पीयू और पीयू की फ्रेंड आई है, देखती हूँ क्या कर रहे हैं। लो वेट, उनका प्रोजेक्ट मंडे को सबमिट करना है, सो उनका इसकी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। हो गया आप लोग का? ओके, पापा रहे? ओके भाई, हम हसन ने पूरा प्लान चौपट किया। हाँ आंटी, वो स्टिकर्स लेके आने वाला था। फिर अभी तो कल आप आओगे? हाँ 4 o'clock। दोपहर में आओ? वही तो 4 o'clock। 4 o'clock शाम हो जाएगा ना बेटा, तो 8 o'clock आप बोलोगे तो हम इसके पापा को भेज देंगे लाने के लिए। घर का एड्रेस भेजिएगा, ये वृंदावन हाइट्स की एड्रेस नहीं रहती। क्या इंदिरा नगर में किधर रहते हो आप? नवद्या होटल के पास। नवद्या? हाँ नवद्या होटल देखा है। वैसे हम भी 2-3 महीने बाद इंदिरा नगर में शिफ्ट होने वाले हैं। तो कल कितने घंटे का काम है आप लोगों का? 2 घंटे। तो ऐसा करो 3 बजे तक आ जाओ आप लोग। हाँ, सर को बोलेंगे सर मार्क्स हम लोगों को ही मिलना चाहिए, किसी ने काम नहीं। क्योंकि 3 बजे तक आ जाओगे ना आप लोग तो जब ही होगा 6-7 हो जाएगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे आपको स्कूल जाना रहेगा। कल तो छुट्टी है तो चलो ठीक है, आज 10 बज जाएगा आपको,
लेकिन नेक्स्ट डे के लिए आपको लगेगा ना। सर को बोलेंगे सर हम दोनों को मार्क्स लेने चाहिए, बस हम दोनों ने काम। तुम्हारे ग्रुप में कौन कौन है? तुम, आरुष, मोइन, हसन, मैं, यशिका, लविशा, आराध्या, जीविका, उनमें से कोई नहीं है। हो गया सो पीयू की फ्रेंड आ गई, पीयू के पापा आ गए, पीयू के पापा नहीं है सॉरी उसके फ्रेंड के पापा आ गए, जो कि वो जाने लगी यहाँ से आपको दिखे कि मैं बालकनी में आ रही हूँ। इतनी बारिश है ना, इतनी बारिश है, देखो कितने पानी लगे हुए हैं। इसके पापा हैं जो कि अभी जा रही है। चलो बैठ गई, उसके पापा ने छोड़ दिया। हमारे घर के पूजा का डेट निकल चुका है, अभी हमें फाइनल करना है कि हम कभी कर रहे हैं। डेट एक्चुअली क्या है ना, 2 महीने नहीं है, सितंबर अक्टूबर नहीं है और अगस्त में अभी तो हम करवा नहीं सकते, करवा सकते हैं लेकिन हमने पंचांग में पढ़ा कि श्रावण में ना पूजा नहीं करवाते, मतलब नए घर में ना जाते नहीं, तो हमने मन में ऐसा पढ़ लिया। तो ऐसे हमारे यहाँ तो बोलते हैं श्रावण बहुत अच्छा मंथ होता है, बट ऐसा हमने पढ़ लिया तो मन में बोलते हैं ना किसी चीज़ आ जाती है। तो आपको मैं बताऊंगी नवीन के साथ बैठ के, नवीन साइड होना, कि हमारा पूजा का डेट कब निकला, कभी निकला नवीन? 3 तारीख 3 और एक और डेट है ना, 2 डेट बताए ना पंडित जी ने, 6 और 3 बताए। मंथ कौन सा? दिसंबर। दिसंबर दिसंबर तो हमारे पूजा का जो डेट है ना 2 मिला हुआ है, अक्टूबर में है भी है अच्छा दिन, बट पंडित जी बिजी हैं ऐसा, मतलब बोल रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, हम 24 आवर्स बिजी रहते हैं, उस वक्त बहुत लोग पाठ करवाते हैं ऐसा, तो आई थिंक उसमें बिजी रहते होंगे। तो हमने सोचा था कि अक्टूबर में करवा लेते हैं, चले जाएँ, क्योंकि हमारा ना 2 महीने में काम सारा कंप्लीट हो जाएगा, फर्नीचर का भी काम हो जाएगा, बट नहीं हो पा रहा, मतलब डेट नहीं मिल पा रही है, तो यही है कि डेट हमारा है 1 नवंबर को है, बट उस दिन क्या है ना, उस दिन करवा चौथ है, तो शो मेरा फास्ट आएगा, तो उसमें पूजा हम नहीं करते, मतलब कैसे नहीं हो पाता, भाग दौड़ में नहीं हो पाएगी। और 1 3 तारीख है और 1 6 तारीख है, नवंबर की बात बता रही हूँ मैं आपको, 1 3 6 तो तीनों में से हम देखते हैं कौन सा डेट फाइनल करते हैं। डेट नहीं फाइनल हुआ है बट हमें डेट आ गई है पंडित जी से, आज ही हमने कंफर्म किया, मतलब गए थे पंडित जी के पास तो उन्होंने कंफर्म किया, कैसे कैसे बारिश में गए वो हमें ही पता, इतनी बारिश यहाँ पे हो रही है कि आपको मैं क्या बताऊँ। एंड नवीन को कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे ब्लॉगिंग में, है ना, मेरे ब्लॉग में तुम्हें कोई इंटरेस्ट है? व्हाई व्हाई? मेरे को सोशल मीडिया से इंटरेस्ट है। व्हाई? ऐसे ही, ऐसे क्यों? हर चीज थोड़ी लोगों को बताते रहते हैं। क्यों? तो आई थिंक भी उतना इंटरेस्ट लेती है तुम्हारे काम में, मेरे को पसंद नहीं है। बहुत खड़ूस इंसान है ये, बहुत ज़्यादा ही खड़ूस है, मतलब क्या बताऊँ, ये इनके अपनी, मतलब मैं नहीं रहूँगी तो करेंगे, इसलिए इस इंसान से ना मैं बस सख्त नफरत करती हूँ। आ जाओ बता दीजिए, बोलो तो सुनो, सोच बोलो, ब्लॉगिंग करना पसंद है? नहीं बोलोगे? फाइनल ना। तो इन्होंने आज बोला कि मुझे ब्लॉगिंग करना नहीं पसंद है, लेकिन मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ, तो हर चीज़ हर समय किसी के सामने दब के नहीं रहना चाहिए, और ख़ासतौर से लेडीज़ को, मैं तो नहीं डरती, करती हूँ और अच्छी ब्लॉगिंग करती हूँ, ऐसा तो नहीं कि फालतू चीज़ें करती हूँ, घर के झगड़े दिखाती हूँ या कुछ अलग दिखाती हूँ, ऐसा तो नहीं है ना, घर के झगड़े भी रहते, घर में रखती हूँ वो भी नहीं दिखाती हूँ, या किसी से नफरत भी करती हूँ वो भी ब्लॉगिंग में नहीं करती, बताती हूँ मैं, है कि नहीं? सिर्फ रेगुलर जो होता है, बहुत कुछ मैं ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ,
बट ये इंसान फिर भी मना करता है। ऐसे हमारे घर के जितने जेंट्स हैं ना ऐसे ही, मतलब मेरे ससुराल के सब ऐसे ही। सो गाइस, हमारा मैंने आपको बताया हमारा डेट 3 आया है नवंबर में, 1-3-6। तो देखते हैं हम किस दिन डिसाइड करते हैं। और आप लोग ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रखो। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बहुत सारा प्यार दो।